गाओ होठों पर, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, बन सुनना के बस ये एक सदा ही सुने सदा। इस लाल किले का, इस संसद का, इस विधानसभा का नाम हिंदुस्तान नहीं है। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। किसी के लिए नहीं देखना कि बस ये एक सदा ही सुने सदा। राजनेताओं से भी ये बात कहता हूं, आप भी उनसे लगातार कहिए, अच्छी बात नहीं है कि 125 करोड़ के देश के सबसे बड़े लोग 28 साल के फेसबुक के ओनर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि भारत में आकर निवेश करिए सर। अरे सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कलकत्ते में इकट्ठी हुई थी, एक दिन इकट्ठे होकर 20 साल इस देश के यूथ में अपने आप को इन्वेस्ट कर दो, अमेरिका वीजा मांगेगा हिंदुस्तान आने के लिए। के बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में बस ये एक दुआ ही उठे सदा। अकेली सेना है दुनिया की जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड सियाचिन में लड़ती है और जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लड़ती है। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में बस ये एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। आंखों के आगे तिरंगा रखिए और इस दो पंक्तियों को सुनकर दाद देना। बस ये एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, न गोधरा जैसी क्रिया हो, न गुजरात दंगों जैसी प्रतिक्रिया हो। सच्चा धर्म निरपेक्ष हूं, बेईमान नहीं हूं, जो सच्चे हो वो बताना। हमारे उत्तर प्रदेश में किताब चलती थी गय पर गणेश, प्राथमिक की पहली क्लास की। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार आई, उसने कहा गणेश तो सांप्रदायिक है, हिंदुओं का देवता है, तो उन्होंने किताब बदलवा दी। अब छपता था गय से गधा, तब पता चला गणेश सांप्रदायिक और गधा धर्मनिरपेक्ष। तो जो सच्चे हो वो बताना। गोधरा न हो गुजरात न हो, तैयार रखना अपने हाथ। गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, होठों पर हाथ, होठों पर गंगा। आखिरी बन सुनिएगा कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आखिरी ज्ञान। और एक निवेदन वाइस चांसलर साहब आपसे भी करूं, आदरणीय मोदी जी और तमाम मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण लोगों से करूं। मैं हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूं, सबसे कमजोर खादिम हूं अपनी माँ का। इस हॉल में बड़े 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 परफॉर्मर्स आए होंगे, बड़े बड़े लोग आए होंगे। एक 2 घंटे की फिल्म बनती है मुंबई में, 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार या दूसरा सुपरस्टार फिल्म बनाता है, 2 घंटे में आप वॉशरूम हो आते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। मैं अकेला आया हूं और पिछले 1.5-2 घंटे से एक आदमी हिला नहीं है। हिंदी की कविता का चमत्कार है यह, हमारी भाषा का कौशल है, यह हमारी मां का आशीर्वाद है, हिंदी का, उर्दू का, जो हम पर है। और मुझे खुशी है कि इस कैंपस से अंकिता जैसी कवियत्री निकली है जो दुबई में लाल किले के कवि सम्मेलन में सुपर हिट परफॉर्मेंस दिए हैं और सब नाज कर रहे हैं। आपका नाम इसलिए भी बड़ा हो रहा है कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। 4 पंक्तियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इस कैंपस में जितने बच्चे पढ़ते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मत होना, केवल विद्यार्थी होना। ये करने के लिए तो इस कैंपस की सीमा के बाहर हजारों लोग खड़े हुए हैं, लाखों लोग खड़े हुए हैं। यहां केवल मनुष्य होना, केवल एक दूसरे के दोस्त होना। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हमने बड़ी मजाक कर दी उत्तर प्रदेश पर, अपने ही प्रदेश पर, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं कैसे प्रदेश से आता हूं जिसने हिंदू मुसलमान की एकता का सबूत दिखाया है। शाहजहांपुर हमारे यहां एक जिला है लखनऊ के पास, वहां 3 लड़के एक ही गली के एक साथ शहीद हुए।
एक मुसलमान लड़का था पठान, जिसका नाम था अशफाकुल्ला खान, और एक ब्राह्मण था, पंडित शायर था, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी में हमारा खजाना जो अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे उसे उन्होंने छीन लिया था उनसे। तो फैजाबाद जेल में सजा सुनाई गई, ये बात आपको कोई बता के नहीं जाएगा जो कुमार विश्वास बता रहा है। जब सजा सुनाई गई और ब्रिटिश जज ने कहा हैंग टिल डेथ, सजाए मौत, तो इतिहास लिखता है कि अशफाक की आंखें भीग गई। बिस्मिल ने सोचा कि सामने ब्रिटेन की प्रेस खड़ी है, कल लंदन में फ्रंट पेज पे खबर छपेगी कि क्रांतिकारी रो पड़ा मौत को देखकर। तो वो थोड़े कद में बड़े थे, उन्होंने अशफाक को अपने गले लगा लिया और उनके कान में फुसफुसाए कि मादरे वतन पे मरने का वक्त आया है, मेरा शेर मेरा पठान रोता है, ये हाकिम क्या कहेगा, ये अंग्रेज हाकिम क्या सोचेगा। जो उत्तर अशफाक ने दिया वो मुझे सोने नहीं देता, इसलिए मैं रात रात भर गाता फिरता हूं इस देश की एकता का गीत, आप भी सो नहीं पाएंगे, आपके अंदर थ्रिल पैदा होगी। अशफाक ने कहा पंडित जी इसलिए नहीं रोता कि देश पर कुर्बान होने का वक्त आया है, इसलिए रोता हूं कि आप हिंदू हैं, आपके यहां पुनर्जन्म है, आप इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए दूसरा जन्म लेकर आ पाएंगे, मैं तो एक ही जन्म दे पाया इस मां को। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। और आपने हमारे व्हाट्सएप, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर भर दिए घृणा से, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। 70 साल बाद हमारी चर्चाएं गाय गोबर, चोटी कटवा, हनीप्रीत गुफा, बाबा, ये हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए कि इस शताब्दी के शुरुआती दौर में ही हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश कैसे बनेंगे, ये विषय नहीं है। इसलिए तमाम तरह के विषय आपके चारों तरफ लाए जाते हैं, तब कहता हूं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। आभारी हूं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने बहुत अच्छा सुना। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। पगड़ियां बैठी हैं दोनों, आपको समर्पित करता हूं सर, मजाक कुछ भी कर लीजिए, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की संतानों का। इस देश पर कर्जा है, एहसान है दशमेश पिता के अपने चारों बेटों की कुर्बानी का। 2 लड़ाई में मारे गए, 2 दीवार में चुनवा दिए गए, और माता सुंदरी ने कहा कि मेरी कोख खाली हो गई, चारों बेटे चले गए, तो दशमेश पिता ने जो फरमाया उस पर इस पूरे सदन की मोहर लगनी चाहिए तालियों की। गुरुजी ने कहा 4 बेटों की कुर्बानी के बाद कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, और 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। अभी तो हजारों बेटे बेटियां जिंदा। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम सबद कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। आखिर में मुझे विदा ठीक से करिए अपनी भाव और दास से। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। और आखिरी 2 पंक्तियां, इस्लाम पर ईमान लाने वाले अगर बच्चे यहां बैठे हों, कोई मुसलमान परिवार से लोग बैठे हों, उनको समर्पित करता हूं। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, मेरी बेटी डीपीएस में पढ़ती है तो मैं उसे किताबें ला के देता हूं हिंदी की, ताकि उसका उच्चारण ठीक हो, भाषा ठीक हो, कहानियों की। चंदा मामा मैंने ला के दी, और दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क की ट्रेन में मैंने उससे कहा कि इसे जोर से पढ़ के सुनाओ, ल्यूसन जाते हुए स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख से। और मेरी पत्नी जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज की प्रोफेसर है। हमारे घर में क्या है कि वो सोफिया की पढ़ी है, उसको भी सोफाया बोलती है, सोफाया। हमारे घर में मैं ही हिंदी का हूं, कुत्ता भी शेडो है अंग्रेजी का। तो उसने जोर से पढ़ा, देखिए आप मैं जो सुनाने जा रहा हूं, मैंने कहा बेटा जोर से पढ़ो, तो उसने पढ़ा, एक बार जंगल में एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि। फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे पूछा पापा ऋषि कौन होते थे, तो मेरी पत्नी ने मुझे व्यंग में देखा कि बताओ ज्ञानी बोलो, लेकिन मैं हिंदी का बेटा हूं, मैंने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जो उसे जवाब ठीक दे दिया हूं। आपसे आपका कोई भतीजा भांजा, कोई छोटा बच्चा पूछे ऋषि कौन होते थे, बाबा कौन होते थे, साधु कौन होते थे, ये थोड़ी बताओगे जो जोधपुर जेल में बंदे वाले होते थे। मैंने जो उत्तर दिया उस पर अब तक की सबसे ज्यादा तालियां दोनों हाथ उठाकर गूंजेंगी। उसने मुझसे पूछा पापा ऋषि कौन होते थे, मैंने आईपैड उठाया, गूगल पर गया, एपीजे अब्दुल कलाम लिखा और फोटो दिखाकर कहा ऋषि ऐसे होते थे। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने,
इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके। मनोबल बड़ा रखिएगा, हो सकता है कि आपके नंबर कम आए, हो सकता है आपके ग्रेजुएशन में नंबर कम आए, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। एक फरार इंजीनियर कह रहा है आपसे जिससे पूरी नहीं हुई। हमारा एक अंग्रेजी का लेखक है, IIT पढ़ा हुआ, उपन्यास लिखता है अंग्रेजी में, नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त है, आप सब जानते हैं, फिल्में बनती हैं उसके उपन्यासों पर। हाँ, हमारे वो एक दिन IIT में थे, IIT बॉम्बे में, दोनों एक साथ थे मंच पर। उसने मुझसे कहा, कुमार 6 महीने में छोड़ के भाग आया, मैंने पूरी की। तो मैंने कहा, जो बात मेरी 6 महीने में समझ में आ गई, तेरे 4 साल में आई। और क्या भाई, तेरे को 4 साल बाद पता चलेगी तू कहानी लिखेगा, मेरे को 6 महीने में पता चलेगी कविता लिखनी है। इसलिए कभी भी, जितने लोग यहां बैठे हैं, फेसबुक पर इतने लोग मुझे लिखते हैं, 4 मिलियन के आसपास का फैमिली है, ट्विटर पर 5 मिलियन फॉलोवर्स है, सब बच्चे लिखते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, कभी जिंदगी में किसी चेहरे को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी काम को, किसी चीज को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके बिना जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। मैंने ये शेर कहा था कि खुद से भी मिल न सको, लड़कों के लिए कहा था लेकिन लड़कियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, आप भी वैसे ही सुने, कि खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। कि हम शब्द कीर्तन सुन न सकें, हम शब्द कीर्तन सुन न सकें। लक्ष्मणगढ़ रास्ते में यहां तक आते आते मोड़ी यूनिवर्सिटी सीकर, ये इलाका कैसा लगता है? की करके जंगल है, अचानक हाईवे उतर जाता है। इसको अच्छी खराब जगह मत समझना, ये मत समझना कि हम स्टीफेंशन में क्यों नहीं पढ़े, हम बॉम्बे में क्यों नहीं पढ़े। ये आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल है जो आप यहां जी रही हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब आपने घर छोड़ा, जब आप इस जहां तक पहुंची, तब आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ पल शुरू हुआ। राम जब तक अयोध्या रहे तब तक केवल युवराज राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, इस धरती का यशगान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, इस धरती का यशगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार, इसी राजस्थान में अजीब आश्चर्य है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ तो अकबर के सेनापति मानसिंह थे और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां पठान था। ये राजस्थान है। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। ये अकेली जमीन है हिंदुस्तान की जहां ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में और ख्वाजा की दरगाह एक साथ जिंदा रहती है। इस 2 घंटे के अपने प्रस्तुति में मैं आखिरी पंक्ति में विदा चाहता हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। एक एक कंठ एक एक हाथ सम्मिलित हो। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में जन मन में जन मन 1 2 जन मन में जन मन में इस मन में उस मन में जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलधि तरंगा हो। होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। होठों भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। आज की शाम हमारे स्मृति पटल में एक स्वर्णिम शाम के रूप में अंकित हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कारवां यूं ही चलता रहे और हमारा साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।